भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल काफी समय से अपने इंजरी के चलते क्रिकेट के मैदान से बाहर चल रहे हैं। आपको बताएं तो एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में केएल राहुल को जगह जरूर दी गई थी, लेकिन निगल के चलते वे शुरुआती दो मुकाबले में टूर्नामेंट के बाहर रहने वाले हैं। शुरुआती दो मुकाबले जो भारतीय टीम के होने वाले हैं, पहला महामुकाबला जो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है उनका ओपनिंग मुकाबला इंडिया का, तो दूसरा मुकाबला नेपाल के खिलाफ। दोनों ही मुकाबले में हमें केएल राहुल नज़र नहीं आने वाले अपने निगल के चलते। तो वही इनके ना होने पर अब इनके ऊपर पूर्व दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा है कि सिलेक्टर्स को केएल राहुल से अब आगे बढ़ना होगा और इनकी जगह कोई और बैकअप ऑप्शन ढूंढना ही होगा। सुनील गावस्कर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे ज़्यादातर यही लगता है कि वे इसलिए नहीं गए क्योंकि सच ये है कि वे उन्हीं फिजियो से ट्रीटमेंट जारी रखना चाहते हैं जो उन्हें NCAA में उन्हें देख रहे थे। लेकिन फिर हाँ, मुझे लगता है ये मुश्किल परिस्थितियाँ होंगी क्योंकि वे 5 सितंबर से पहले कोई मैच नहीं खेलेंगे, तो आप उनकी परिस्थितियों का आंकलन कैसे करेंगे, क्योंकि अभ्यास मैच एक चीज़ होती है और मैच फिटनेस अलग चीज़ होती है। इसलिए मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमिटी के लिए मुश्किल फैसला होगा। अब यहाँ पे अगर आगे बात करें तो सुनील गावस्कर ने आगे भी ये कहा है कि सिलेक्टर्स को केएल राहुल से आगे बढ़ना होगा, अगला ऑप्शन ढूंढना होगा, क्योंकि देखा जाए तो वैसे तो केएल राहुल क्लासी प्लेयर है और ये बात खुद सुनील गावस्कर ने कहा है कि वो मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर वो एक भी मैच नहीं खेलेंगे या इंजरी से आएंगे और अगर अच्छा प्रदर्शन मैदान में वो नहीं अपना दिखा पाए, पहले वाली फॉर्म नहीं दिखा पाए, तो ये चीज़ मुश्किल वाली बात हो जाएगी वर्ल्ड कप में जाके। तो इसके लिए कोई और ऑप्शन ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। सुनील गावस्कर ने आगे कहा कि लेकिन शायद आपको इसका जवाब शुरुआत के दो मैच में ही मिल सकता है, फिर इस स्थिति में आपको राहुल से आगे देखना होगा, लेकिन ये निराशाजनक होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप उसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। मैं उसे लेने के पक्ष में हूँ क्योंकि सच्चाई ये है कि वो क्लासी प्लेयर रहा है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड की घोषणा से पहले ये मैच की परिस्थितियों में नहीं दिखता है तो मुझे लगता ही है कि फिर उसके लिए खुद को वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सुनील गावस्कर की जो बात है वो भी सही है, क्योंकि 5 सितंबर तक की डेडलाइन है सारी टीम्स के पास ICC को अपनी वर्ल्ड कप की स्क्वाड की लिस्ट जमा करवाने की। 5 सितंबर तक सारी टीमों को अपनी 15 सदस्यों की स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करनी ही होगी, और उससे पहले 5 सितंबर से पहले भारतीय टीम के पास सिर्फ 2 ही मुकाबले हैं एशिया कप के अपने सारे खिलाड़ियों को जांचने के लिए, जो कि है पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ, और दोनों ही मुकाबले में केएल राहुल नहीं होने वाले हैं। ऐसे में इंजरी से आने के बाद एक भी मैच ना खिलाने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस में उनकी बल्लेबाजी देखने के उस पे बेसिस पे आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप की स्क्वाड में उन्हें जगह नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुनील गावस्कर ने बात कही कि उनके लिए बैकअप ऑप्शन ढूंढना होगा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप लोग भी उनकी स्टेटमेंट से सहमति दिखाते हैं? आप लोगों को सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट में क्या लगता है मुझे फटाफट से कमेंट जरूर बताइए। आप देख रहे तो फैन स्पोर्ट, इस वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।